नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं द लीगल इंडियन। दोस्तों, क्या आप निर्भया केस के बारे में जानते हैं? जानते हैं तो आखिर क्या जानते हैं? आपने सुना होगा कि हाल ही में दिल्ली की एक कोर्ट ने जो कन्विक्टेड पर्सन थे, चार कन्विक्टेड पर्सन को डेथ वारंट इशू किया है। आखिर ये डेथ वारंट होता क्या है? इस डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये डेथ वारंट इशू करने का पावर किसके पास होता है? ये क्यों इशू किया जाता है? किसको इशू किया जाता है? क्या ये डेथ वारंट इशू होने के बाद फांसी की सज़ा रोकी जा सकती है? ये तमाम क्वेश्चन हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, डेथ वारंट का जो प्रोविजन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से रेगुलेट होता है। यदि आप सेक्शन 413, 414, 415 और 416 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो डेथ वारंट का जो कंसेप्ट है ये यहीं पे दिया गया है। चलिए हम एक बार देखते हैं कि आखिर क्या है कंसेप्ट। आप यदि 413 सेक्शन 413 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इसमें दिया है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368। आप यदि 414 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द हाई कोर्ट। सेक्शन 415 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। और सेक्शन 416 आप यदि पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमन। तो ये तमाम तरीके का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ चार जो सेक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स आर इन्यूमरेटेड इन दिस फोर सेक्शंस। तो हम देखते हैं कि आखिर 413 क्या कहता है। 413 कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368। अब 368 क्या है, हम इसके लीगल एंगल को समझने का प्रयास करेंगे। आप इस तरीके से समझिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहली अदालत वो कौन है जो डेथ देने का जिनके पास पावर है? वो है सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को ये पावर है कि वो दे सकते हैं डेथ पेनाल्टी। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो डेथ पेनाल्टी देंगे उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट उनको कन्फर्म ना कर दे। सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि ये जो सेशंस कोर्ट देते हैं डेथ पेनल्टी, ये कन्फर्म होने के लिए चला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जब इसको कन्फर्म करती है तो उसी के बारे में 368 में दिया हुआ है, सेक्शन 368 ऑफ द सीआरपीसी में दिया गया है कि यदि हाई कोर्ट चाहे तो जो सेशंस कोर्ट का जो निर्णय है उसको वो अफेल्ड कर सकते हैं, उसको कन्फर्म कर सकते हैं, उसको एनल कर सकते हैं, या फिर कुछ और सुझाव दे सकते हैं, या फिर न्यू ट्रायल के लिए वो उसी मुद्दे पे कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे। तो ये 368 में दिया गया है। तो वही 413 जो है ये कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368 कहता है कि व्हेन इन अ केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ ए स्टेट सेंटेंस ऑफ डेथ, द कोर्ट ऑफ सेशन receives the order of confirmation or other order of the High Court. Thereon, it shall cause such order to be carried into effect by issuing a warrant or taking such other steps as may be necessary. ये बता दिया गया आपका 413 में। अब 414 में आते हैं। 414 कहता है कि execution of sentence of death passed by the High Court. When a sentence of death is passed by the High Court in appeal or in revision, the court of session shall, यहाँ shall यूज किया गया है, the court of session shall, on receiving the order of High Court, cause the sentence to be carried into effect by issuing a warrant. तो ये जो वारंट, डेथ वारंट की बात करते हैं, ये 413 और 414 को मिला करके आप इशू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 415 में। 415 में कहता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये क्लियर हो गया कि आप सिर्फ डेथ वारंट इशू करने से और डेट को फिक्स करने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सेंटेंस मिल जाए, उनको डेथ पेनाल्टी उसी दिन मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन हैं उनके पास रेमेडी अवेलेबल होती है। जैसे कि 415 यहाँ पे बता रहा है कि यदि ये अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ऑब्वियस सी बात है वो
और रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, और इनको अपील करने के लिए समय दिया जाता है ताकि जो कन्फ्लिक्टेड पर्सन हैं उनके राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। जैसे इस केस में, निर्भया वाले केस में, जो अभी डेथ पेनल्टी का वारंट इशू किया है, डेथ वारंट, ब्लैक वारंट इशू किया गया है, इसमें 15 दिन का समय दिया गया है कि आप यदि 15 दिन में चाहें तो आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब ये भी समझ में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कितने बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में कई तरीके का अपील होता है, ठीक है। एक तो यदि क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल अपील नॉर्मल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वन, आर्टिकल 134 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि आप जो है क्रिमिनल केसेस में अपील कर सकते हैं। बाद भी आप 136 स्पेशल लीव पिटीशन, SLP कहते हैं इसको, वहां पे अपील कर सकते हैं। 137 यदि आप पढ़ेंगे तो रिव्यू का प्रोसेस है, जिसमें जजमेंट पास किया है सुप्रीम कोर्ट, उसको रिव्यू किया जा सकता है उन्हीं के द्वारा, ठीक है। चलो इससे भी आगे बढ़ते हैं तो एक क्यूरेटिव पिटीशन भी होता है। तो इस केस में अभी क्यूरेटिव पिटीशन का जो जो ऑप्शन है वो अभी बाकी है, तो यदि चाहें कन्विक्टेड पर्सन जो भी हैं वो यदि चाहें तो क्यूरेटिव पिटीशन का अप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनका एक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आर्टिकल 72 में दिया गया है, प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो पावर है यदि चाहें तो वो सजा को कम कर सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट चेंज कर सकते हैं, तमाम तरीके का बात उसमें किया गया है। तो ये जो कन्विक्टेड पर्सन अभी हैं उनके पास दो राइट अभी भी अवेलेबल है, आर्टिकल 72 के अंदर और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसके अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दोनों ये यूटिलाइज कर सकते हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि दिया गया जो समय डेथ वारंट में है हो सकता है उस दिन नहीं दिया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए हम ये मानेंगे कि इनका जो एग्जीक्यूशन होना है वो 22 तारीख को, 22 जनवरी 2020 को मॉर्निंग में होना है। तो चलिए अब सेक्शन 416 को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये 416 क्या है। सेक्शन 416 ऑफ CRPC कहता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, इफ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट द हाई कोर्ट शैल, यहां शैल यूज किया गया है, ध्यान देने वाली बात है, द हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये कहता है कि यदि एग्जीक्यूशन के दौरान यदि कोई महिला जो प्रेग्नेंट यदि पाई गई तो ये हाई कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड क्या करने के लिए कि उनका जो डेथ पेनल्टी है उसको चेंज करके, उसको कम करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया जाए। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि आखिर डेथ वारंट क्या होता है, ब्लैक वारंट क्या होता है, कौन कौन से लीगल प्रोविजन हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होता है। अब आगे हम देखें कि आखिर ये वारंट में क्या लिखा रहता है। यदि आप CRPC के फॉर्म नंबर 42 को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे उसमें एक फॉर्मेट दिया रहता है, जिसमें मोटा मोटी हम यदि आपको बताएं तो उसमें डेट होता है, जिस पर्सन को फांसी देनी है उनका नाम होता है, कब देना है फांसी उसका समय निर्धारित होता है, कौन से जेल में देना है, ये तमाम तरीके का इंफॉर्मेशन वहां पे दिया जाता है, बिल्कुल। और ये जो वारंट है वो पुलिस को या जो जेल अथॉरिटी को दिया जाता है कि कोर्ट का ये परमिशन है आपको इसको एग्जीक्यूट करने का, आप इसको फांसी दीजिए, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है हमारे दिमाग में आता है कि जो जल्लाद होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जल्लाद है वो उनको मर्डर के चार्ज में एक्यूज किया जाए या कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में एक्यूज किया जाए? आंसर इज नो। वो ऑल्दो वो मारते हैं, उन्हीं के खींचने के कारण जो है उनको, जो पर्सन है उनको फांसी हो जाती है, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर भी लेकिन हम जो जल्लाद है उनको पनिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि स्टेट जो है, स्टेट चाहे तो किसी भी पर्सन का, किसी भी सिटीजन का वो क्या करे, लाइफ ले सकता है, लाइफ ख़त्म कर सकता है, बट द कंडीशन इज विथ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है उसी के अकॉर्डिंग। और ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर यही CRPC है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जल्लाद ये खींचता है तो उसके पास कोर्ट का वारंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हाँ कोर्ट आपको परमिशन दे रही है कि आप जो है इसका एग्जीक्यूशन कीजिए, इसको डेथ पेनल्टी दीजिए। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जल्लाद को कोई पनिश नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं।